सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अलीटा बैटल एंजल फिल्म के सीक्वल के बारे में, जिसे लेकर अपडेट और किसी ने नहीं बल्कि फिल्म के प्रोड्यूसर जेम्स कैमरॉन ने खुद दिए हैं। तो क्या है वो डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि असल में ये अपडेट आई कहां से है। तो जवाब है डिजिटल स्पाई वेबसाइट्स की तरफ से, जहां पर जेम्स कैमरॉन अपनी फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू दे रहे थे, यानी अवतार फिल्म से रिलेटेड। और उसी के साथ साथ वहां पर उन्होंने अलीटा बैटल एंजल फिल्म के सीक्वल को भी लेकर कुछ बातें की। तो पहले बात कर लेते हैं डिज्नी और फॉक्स की डील के बारे में। वेल, तो ये बात सभी को पता है कि अलीटा बैटल एंजल फिल्म असल में अंडर आती है 20th Century Fox Studio के अंडर, जो अब सीधे चली गई है डिज्नी के पास। यानी अब डिसीजन डिज्नी का है कि वो इस फिल्म का सीक्वल आएगी या नहीं। लेकिन अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर देखा जाए तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड वाइड में 401 मिलियन का बिजनेस किया था। और अगर फिल्म के बजट पर नजर डाले तो फिल्म का बजट 170 मिलियन का था। यानी अगर देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप तो नहीं बल्कि एक एवरेज हिट है। और यही हाल वॉरक्राफ्ट फिल्म के साथ भी हुआ था। उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थे 433 मिलियन के। और बात करें फिल्म के बजट की, तो फिल्म का बजट 160 मिलियन का था। लेकिन 2016 के बाद से इस फिल्म के सीक्वल का आता पता नहीं है, क्योंकि स्टूडियो ने इस फिल्म के सीक्वल को बनाने से फिलहाल तो मना कर दिया है। लेकिन अगर फिल्म के डायरेक्टर डंकन जोन्स अगर फिल्म के सीक्वल को और भी अच्छा बनाने की कसम खाएंगे, तब जाकर स्टूडियो शायद मान जाएगा कि वो इस फिल्म का सीक्वल बनाए। लेकिन अब फिलहाल तो देखकर ऐसा लगता है कि वॉरक्राफ्ट फिल्म का सीक्वल तो नहीं आएगा। और उसका रीजन है अभी की आ रही सभी अलग अलग फिल्मों के प्रोजेक्ट्स, जो फिलहाल तो यूनिवर्सल स्टूडियो के अंडर बन रहे हैं। और सभी को ये बात पता है कि वॉरक्राफ्ट फिल्म का सीक्वल यूनिवर्सल स्टूडियो और लेजेंडरी पिक्चर्स के साथ मिलाकर बनाया गया था। और इन दोनों स्टूडियो ने पैसिफिक रिम फिल्म के सीक्वल में भी अपने पैसे लगाए थे, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जिसके बाद ये भी डिक्लेयर कर दिया गया कि वॉरक्राफ्ट फिल्म का सीक्वल नहीं आएगा। जी हाँ, अभी के लिए फिलहाल तो यही अपडेट निकल कर आया है वॉरक्राफ्ट फिल्म को लेकर। और यही बात जेम्स कैमरॉन ने भी की है वॉरक्राफ्ट फिल्म को लेकर। लेकिन अब आ जाए उनकी फिल्म अलीटा बैटल एंजल 2 पर, तो उस फिल्म को लेकर उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि इस फिल्म के सीक्वल को आगे कैसे कंटिन्यू करना है। जबकि ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज कमाई की है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की वजह से, तो फिर मैं उस नाम के खातिर इस फिल्म के सीक्वल को बनाने की जरूर सोचूंगा। और इस पर बैठकर वो डिज्नी से कुछ डिस्कशन भी करेंगे। वेल, इससे ज्यादा तो जेम्स कैमरॉन ने नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से हमें ये तो पता चल गया कि अलीटा बैटल एंजल फिल्म का सीक्वल हमें देखने मिलेगा, वो भी तब जब डिज्नी की तरफ से कुछ अप्रूवल्स निकाले जाएंगे, क्योंकि इस फिल्म के प्रोजेक्ट के साथ जेम्स कैमरॉन का नाम जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये फिल्म सिर्फ 20th Century Fox के ही अंडर आएगी। अगर डिज्नी को इस फिल्म का सीक्वल आगे बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर उन्हें जेम्स कैमरॉन के साथ ही पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि इस फिल्म के कॉमिक बुक्स के राइट्स और उसकी स्टोरीज जेम्स कैमरॉन ने लाइफ टाइम के लिए खरीद ली है। और जेम्स कैमरॉन भी चाहते हैं कि इस फिल्म का सीक्वल बने। और अब ऊपर से डिज्नी ने जेम्स कैमरॉन को एक बड़ी अप्रूवल भी दी है। हालांकि इसमें पहले जिम्मेदारी 20th Century Fox की थी, लेकिन वहां पर पैसे डिज्नी ने अपनी तरफ से लगाए थे, और तब जाकर अवतार फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू किया गया है। और उस फिल्म के एक साथ बाकी के और टोटल 4 पार्ट्स पर काम शुरू किया गया है। और उस फिल्म के टोटल बजट्स निकल कर आए हैं 1 बिलियन के। अब आने वाले कुछ दिनों में इस फिल्म के ये बजट्स बढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो एक साथ उन्हें पैसे दिए गए हैं इस फिल्म के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो काम बहुत ही अच्छा किया गया है, क्योंकि ऐसे में स्टूडियो के काफी सारे पैसे बचेंगे इस फिल्म से। और हमें 2020 और 21 के अंडर फिल्म के सेकेंड और थर्ड पार्ट देखने मिलेंगे, और फिर 24 और 25 में इस फिल्म के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। वेल, तो अब इस अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या आप अलीटा बैटल एंजल फिल्म का सीक्वल देखना चाहते हैं या नहीं। और उसी के साथ साथ आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।